हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स की ट्रिक्स और टेक्निक्स, ताकि हम जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस हैं उनको विद इन सेकंड सॉल्व कर सके ट्रिक्स लगाकर। कुछ ये मेरे क्रीडेंशियल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए पहली फिगर, ये सबसे कॉमन टाइप की फिगर हमें गिवन है। इनमें हमें निकालने होते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए, मैं आपको एक छोटे ट्राइंगल से लेके बताता हूं। ये ट्राइंगल गिवन है, इसमें हमने एक लाइन खींच ली, तो यहाँ पे आप इजीली गिन सकते हैं यहाँ पे कितने ट्राइंगल होंगे। एक ये, दूसरा ये, और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो ये टोटल मिला के 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक लाइन और बढ़ा दूं, ठीक है, या एक और बढ़ा दूं, तो आपके लिए फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और आपको ट्राइंगल गिनने में टाइम भी लगेगा, और यह भी हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। तो चलिए इसके एक ट्रिक सीखते हैं। पहली वाली लाइन से देखते हैं, पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन तक आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल यहाँ पे लिख दिया हमने, एक। अब पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन तक हमें कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक और दो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने दो। अब देखते हैं फिर पहली वाली लाइन से तीसरी लाइन तक 3 ट्राइंगल, और पहली से लेकर चौथी तक 4 ट्राइंगल। यानी कि जितने भी बीच में गैप थे हमने इनकी नेचुरल नंबर से एक तरीके से नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या काम करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने, इन सभी को बस जोड़ देना। तो इनको जोड़ देते हैं, जोड़ के निकल के आता है हमारा 10। तो यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में होंगे 10। अब नीचे वाले फिगर में देखते हैं, यहाँ पे हमने बीच में एक लाइन खींच दी इस फिगर को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। लेकिन ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं ऊपर वाली फिगर में देखूं तो सेम वही 1, 2, 3, 4, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, एबीसी में, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 10। अब मैं ए डी ई में देखूं तो यहाँ पे भी वही 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 10 निकल के आएंगे, यानी कि 10 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे 20 ट्राइंगल हो जाएंगे। तो दो माले अगर मुझे दिखाई दे रहे थे तो मैंने 10 × 2 करके सीधा आंसर निकाल सकता हूँ 20। अगर मैं एक लाइन और खींच दूं तो मुझे कितने माले दिखाई देंगे, 1, 2 और 3, 3 माले दिखाई देंगे, तो सीधा मैं आंसर लगा सकता हूँ 30। एक लाइन और आ जाती तो कितने माले दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो सीधा आंसर आता हमारा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बड़ी इजीली सॉल्व करते हैं। तो एक और इसमें कॉम्प्लिकेटेड फिगर गिवन है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ, ये पॉइंट लास्ट वाला, और ये। अब देखिए इसको हम तोड़ तोड़ के थोड़ा सोल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं एबीसी में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है, नंबरिंग कर देते हैं ऐसे ही 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे निकल के आएंगे 10। अब एडीई में करते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे निकल के आएंगे टोटल 6। अब बड़े वाले ट्राइंगल एएफजी में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इनको जोड़ते हैं, 6 और 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने निकल के आएंगे, 10 + 6 + 21, यानी कि 37 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर के अंदर होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक ये फिगर का भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, ए बी सी, उनको नाम दे देते हैं ई एफ जी। पिछली वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके हम इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, तो दे देते हैं ओ। सबसे पहले ओबीसी में देखिए, ओबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बीच में एक लाइन खींची है, तो ये कितने ट्राइंगल देगी हमें, यहाँ पे 1 + 2 = 3, 3 ट्राइंगल देगी, एक ये, एक ये, और एक पूरा ओबीसी। ऐसे ही ओएसी ट्राइंगल में भी 3 ट्राइंगल निकल के आएंगे, और ऐसे ही ओएबी में भी 3 ट्राइंगल निकल के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3, 3, 3, ये हो गए एक पूरा ये बड़े वाला ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए AEB तो एक लाइन है जिसने पूरे ट्राइंगल ABC को दो भाग में डिवाइड किया है, तो ये भी 3 ट्राइंगल देगी। पहला ट्राइंगल कौन सा होगा, ABE, और दूसरा ट्राइंगल होगा AEC, और तीसरा जो होगा वो खुद ABC होगा, उसको हमें काउंट करना नहीं क्योंकि उसको हमने पहले ही काउंट कर लिया, तो यानी कि दो ट्राइंगल यहाँ से भी निकल के आ गए। ऐसे ही दो ट्राइंगल हमें देगी CG, और ऐसे ही दो ट्राइंगल हमें देगी BF, तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 ये पूरे 9 हो गए, और एक ये 10 और ये 8, 18, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में होंगे 18। अब ये स्टार फिगर आ जाती है, स्टार फिगर की मैं पहले आपको टेक्निक बता देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि कैसे निकल के आया है।
देखिए ये देखिए इसके कोने कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच कोने हैं। तो मैं कुछ नहीं करना, सीधा 5 × 2 कर देना है। कुल मिला के इसके अंदर 10 कोने, 10 ट्राइंगल मिलेंगे हमें। अभी 10 ट्राइंगल हो गए कौन से, एक ट्राइंगल तो हमारा ये, मैं इनको नाम दे देता हूँ ताकि आपको इजीली पता लग जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। एक ट्राइंगल तो हमारे पास होगा बी एच ई, बी एच और ये ई, ये पूरा हमारे पास एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास होगा सी एफ ई, यानी कि सी एफ और ई, सी एफ ई एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला ट्राइंगल है बी जे डी, बी जे डी, और एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए आई सी, ए आई सी एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए जी डी, ए जी डी भी एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये कुल मिला के कितने ट्राइंगल, पांच ये है ही कोनों पे, एक दो तीन चार पांच, तो टोटल मिला के ट्राइंगल इसमें 10। लेकिन अगर ये फिगर हमारे वहां पर आती है तो उसी 10 का 10 आंसर लगा सकते हैं 5 × 2। अब देखिए ये फिगर है, एक स्क्वायर के अंदर हमने डायगोनल खींचे हुए हैं, तो इनकी वजह से कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ पे मिलेंगे। मान लीजिए इस फिगर में तो हम गिन भी सकते थे, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और ये बीच वाला पॉइंट ओ, एक ट्राइंगल ओ ए ओ डी ए ओ बी ओ बी सी और ओ डी सी, चार ट्राइंगल तो ये हो गए, ठीक है। एक मिलेगा हमें ए बी डी, एक मिलेगा हमें बी ए सी, दो ये हो गए, और फिर नीचे से देख लेते हैं ए बी सी और डी बी सी, दो ये हो गए, यानी टोटल मिला के 8 ट्राइंगल। अगर कुछ और डायगोनल्स में कुछ और लाइंस खींच दूं ऐसे ही करके, यहाँ पे एक और खींच देता हूँ जैसे यहाँ पे खींची हुई है, और कुछ और भी मान लीजिए मैं ऐसे भी एक और खींच देता ऐसे, फिर एक और ऐसे भी आ जाती, तो स्टूडेंट्स हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाती है नंबर ऑफ ट्राइंगल को काउंट करने में। तो उसकी एक ट्रिक क्या है, पहले इस टाइप की फिगर में देखते हैं हम कि बॉक्स हमारे पास कितने हैं। तो बॉक्स इसमें हमारे पास गिवन है एक दो तीन चार, इसमें हमें चार बॉक्स गिवन है, तो हमें सीधा क्या काम करना है 4 × 2 करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल 8 आ जाएंगे। ऐसे ही इस फिगर में गिवन ऐसे, और ये फिगर में देख लेता हूँ इसमें कितने बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्स है, तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए 8 × 2 यानी कि। तो ऐसे करके हम इजीली इस टाइप की फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब इस फिगर को हमने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हमने ऐसी स्क्वायर फिगर जो थी उनको दो को मिला दिया, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक ट्रिक है उसकी हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, वही 4 × 2 वाली ट्रिक मैंने इस ट्राइंगल में लगाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर में मैं वो ट्रिक लगाई तो यहाँ पे 8 निकल के आ गए, और वही मैं डी ई एफ सी में लगाऊं तो यहाँ से भी 8 निकल के आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं, ए सी ई और बी डी एफ, तो वे दो और होंगे, 8 और 8 16 और 2 18। लेकिन अगर ये फिगर और बड़ी हो जाए तो इन हमें जैसे यहाँ तो हमें ये दो ट्राइंगल बड़ी इजीली दिखाई दे गए, लेकिन कभी फिगर और कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो ये दो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, जैसे आगे ये तीन फिगर जुड़ी हुई है, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, हमें केवल ये देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिगर्स के कितने हैं। यहाँ पे देखिए डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों फिगर का, और एक सी है, यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे हमारे पास। हमें क्या काम करना है, 8 ट्राइंगल इसके और जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें जोड़ देने हैं। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 8 ट्राइंगल पहली वाली फिगर से, 8 ट्राइंगल दूसरी वाली फिगर से, तो यहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल के आएंगे वो आएंगे 18। अब इस फिगर में आते हैं अगली फिगर में, तो सेम चीज वही लगाते हैं, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 8 और 8 16 और 8 24 और 4 ये 28, तो 28 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में हमारे निकल आएंगे। अब नीचे वाले फिगर में चलते हैं, इसमें यहाँ पे देखिए फिगर को और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज यहाँ से 8 निकल के आएंगे और 8 इसमें से निकल के आएंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये है, लेकिन यहाँ पे चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है,
वो यही है, तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है। कैसे? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन दो, इसका और इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, साथ ही साथ इस वाले स्क्वायर का और इस वाले स्क्वायर का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इसको हम दो बार काउंट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने निकल के आएंगे हमारे पास? चार। अब इसके अलावा भी हमारे पास एक फिगर और निकल के आती है, वो है ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है इस टाइप की फिगर में, तो एक ये होगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिलेंगे? आठ और आठ सोलह, और आठ चौबीस, और चार अट्ठाईस, और एक ये उनतीस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगली फिगर में चलते हैं, इसमें इसमें लगाते हैं आठ यहां से मिलेंगे, आठ यहां से, आठ इस वाली फिगर से, और आठ इस फिगर से। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, एक तो ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। लेकिन ये तीसरा और जो चौथा हमने निकाला ये रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, साथ ही साथ इन दोनों स्क्वायर का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये स्क्वायर और इस स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, साथ ही साथ इस वाले का और इस वाले का भी है, इसको भी दो बार हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो टोटल निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे छह। साथ ही साथ एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे और ऐसा अलग दिखाई दे रहा है जो हमने काउंट नहीं किया, वो है हमारा ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल पूरा ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? छह प्लस एक ये सात, सात तो ये हो गए, और ये चार बार ये आठ आएंगे 32, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें हमारे कितने निकल के आएंगे? 39, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस टाइप की फिगर आ जाती है हमारे पास, ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है, ये सबसे सिंप्लीफाइड फिगर है, ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर एक ही ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक दो तीन चार, और ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मिल रहे हैं पांच। तो यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल हो तो हमें टोटल वो अंदर हमें चार ट्राइंगल देता है अंदर, बड़े वाले को अगर हम छोड़ दें। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम आगे वाले फिगर्स, इसी टाइप की फिगर्स में एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, और फिर एक और ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटे वाले ट्राइंगल इस एबीसी को मैं देखता हूं, इस एबीसी ने हमें कितने ट्राइंगल दिए? एक दो तीन चार, ठीक है। और एक ये खुद जो ये खुद को दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए, अब इन चारों को देखिए। तो एक ट्राइंगल हमें चार दे दिए, दूसरे ट्राइंगल ने हमें कितने दिए? ये जो हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई एफ ने, एक तो खुद ये डी ई एफ, एक ये और एक ये, चार इसने दे दिए, ठीक है। और एक खुद एक बड़ा वाला ट्राइंगल जिसके अंदर ये सब कुछ है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल के आगे नो। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी एक ट्रिक निकाल सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि बड़ी वाली फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है। यहाँ पे बड़ी वाली फिगर के अंदर दो ट्राइंगल है, तो यानी कि टू, एक ट्राइंगल चार देता है तो दो कितने देंगे? टू इंटू फोर, ठीक है, प्लस वो खुद जो बड़े वाला ट्राइंगल है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल नाइन। ये ट्रिक इसमें लगाते हैं, देखिए बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर हमें कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? एक दो और तीन, तीन ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन ट्राइंगल कितने ट्राइंगल देंगे? तीन, तीन टू फोर, यानी कि 12, और प्लस एक ये खुद बड़े वाला, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में निकल के आएंगे 13। फिगर को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, हमने अब ये तीन लाइन और खींच ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं है, देखिए चार ट्राइंगल तो वही हो गए इस बड़े, इस ट्राइंगल के आने की वजह से, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ए बी एफ सी बी डी ई एफ डी, ठीक है। और ये खुद ये जिस वजह से ये ट्राइंगल बने हैं, तो चार ट्राइंगल तो हमारे ये हो गए, ठीक है, एक एक खुद बड़े वाला। लेकिन ये जो लाइन खींच दी हमने, इस लाइन की वजह से दो ट्राइंगल बने हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो दो ये, और इस लाइन की वजह से दो ये बने, और इस लाइन की वजह से दो, तो टोटल मिला के हम छह लिख सकते हैं सीधा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में कितने होंगे? 11। अब इसमें आ जाते हैं, तो देखिए एक ट्राइंगल के अंदर हमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक ये, तो कितने ट्राइंगल होंगे? दो ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल देंगे हमें? टू इंटू फोर, यानी कि एट, एट तो ये हो गए,
एक वो खुद बड़े वाला ट्राइंगल, और अब इन लाइन की वजह से कितने ट्राइंगल मिले हमें, 6 हुई। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे निकल के आए हमारे 15। अगले फिगर में चलते हैं, हमें एक ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये, जैसे हमने पीछे पिछली वाली स्लाइड में देखा था। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ से मिल जाएंगे 3 × 4 यानी कि 12। इसके साथ एक ये बड़े वाला ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे हमें कितनी लाइन खींची हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गए, और 6 ही हमें अंदर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ये। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे निकल के आएंगे हमारे 25। अब देखिए स्टूडेंट, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। इस फिगर के बारे में अगर कहीं पे जहां भी पढ़ाया जाता है तो इसमें सीधा बोल दिया जाता है कि याद कर लो कि अगर 3 माले आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी 1, 2, 3 तीन फ्लोर तक की फिगर है, तो याद कर लो कि 13 होंगे, और 4 की दी हुई है तो याद कर लो 27 होंगे, 5 की दी हुई है तो याद कर लो 48 होंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप याद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सीधा आ जाएगा, आप सीधा आंसर टिक कर दोगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपके याद नहीं आ रहा, या फिर 6 माले की फिगर आ गई, 7 माले की फिगर आ गई, 8 माले की फिगर आ गई, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को करोगे? इसके लिए आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी। देखिए 1, इसमें आपने जोड़ दिया 2, हो गया 3, इसमें आपने जोड़ दिया आगे 3, तो कितना हो गया, 3 में आगे 3 जोड़ेंगे 6, आगे हम 3 में 6 में आगे 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 10, 10 में फिर आगे हमने 5 जोड़ दिया कितना हो गया 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सीरीज हमें याद रखनी है, ऐसे ही आगे तक बढ़ती चली जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास 4 फ्लोर तक की फिगर आई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 शुरू के 4 डिजिट उठा लीजिए, 1, 3, 6 और 10, और इनको उल्टा लिख लीजिए, 10, 6, 3, 1। अब क्या काम करना है आपको, इसको जोड़ देना है इन सभी, 10 और 6, 16, 3, 19 और 1, 20। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस सीरीज में वो संख्या भी जोड़नी है जो इवन प्लेसेस पे आई है, यानी सम स्थानों पे आई है, जैसे कि 6 और 1, तो ये 7 और जुड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें निकल के आएंगे 27, जो हम यहाँ पे याद करते हैं। मान लीजिए 5 मालों की फिगर होती, तो शुरू के 5 ले लेंगे हम, इनको उल्टा लिख लीजिए, 15, 10, यहां से 6, 3 और 1, ठीक है, ऐसे हमने लिख ली, 15, 10, 6, 3, 1। अब इनको जोड़ देते हैं, 15 और 10, 25 और 6, 31 और 3, 34 और 1, 35, ठीक है। अब जो 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 भी संख्या है हमारी सम स्थानों पे आई है, इवन प्लेसेस पाएंगे आई है, उनको भी जोड़ देते हैं, जैसे कि 10 आई है और 3 आई है, यानी कि प्लस 13 और होगा, यानी कि 48। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 मालों की फिगर में कितने होंगे, 48। अब देखिए कितने मालों की फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मालों की फिगर है, तो इस जो गिवन फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे वो होंगे 48। वैसे आप याद रख सकते हैं कि अगर 3 माले हों तो 13, 4, 27, 5, 48। ज्यादातर तो यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर 6, 7, 8 तक का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने इतनी ही फिगर डिस्कस की, अभी जल्दी हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और जो भी दूसरी फिगर्स पूछी जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी ट्रिक्स की भी डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, अगर वे भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सके। अगर आपको कोई क्वेरी है या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर हमें जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।